एवरीवन वेलकम टू प्रो न्यूज़ जोन एंड इन टुडेस वीडियो आज के इस वीडियो में हम एक और टेक डिवाइस या गैजेट लाए हैं, ठीक है। और वो जो टेक गैजेट है वो है आपका फ्लिपकार्ट से, तो ये आप देख सकते हो प्राइसिंग, ये 999 की कुछ प्राइसिंग में आया था, ठीक है। ये आप देख सकते हो मी वी के डुओ पॉड्स ENC 70, ठीक है। और ये कलर जो है ये ब्लूइश कलर है। तो इसके आप फीचर्स देख सकते हो, इसमें जो है HD स्टेरो साउंड आपको मिलेगा, लॉसलेस ऑडियो है, कॉर्ड माइक है ENC ताकि आपकी जो कॉलिंग है वो अच्छी रहे, ठीक है। मेड इन इंडिया है और सुपर सॉलिड बेस है, पावरफुल ड्राइवर्स हैं, स्वेट प्रूफ है, IPX4 का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैन्युफैक्चर जो हो रहा है, ये कलर इसका ब्लू है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, क्या ये डिवाइस आपको लेना चाहिए या नहीं। इससे पहले मैंने मीवी डुओ पॉड्स F50 की भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो इससे थोड़ा कम बजट का है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो कलर मैंने इसमें किया है, ठीक है, ये कलर मैंने इसमें किया हुआ है, ये आप पूरा इसको देख सकते हो। बॉक्स इसका थोड़ा अच्छा है, डिसेंट है, बड़ा है काफ़ी कंपेयर टू दी प्रीवियस ईयरपॉड्स। तो यहाँ से आप इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, यहाँ से ये केस भी है। इसके अंदर आपको एक मीवी का वारंटी रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स दी गई है, जिसको आपको सिंपल अपने रजिस्ट्रेशन करना है, QR कोड की डिटेल्स भेजनी है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो है ईयरप्लग्स और एक USB केबल मिलती है। ये ईयरप्लग्स है जो कि पैकेजिंग जिसकी नॉर्मल है, और ये जो केबल है ये भी इस पर मीवी की ब्रांडिंग है, इतनी कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका बजट 1500 से कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये केस है, काफ़ी ग्लॉसी सा इसका साइन है, ठीक है, ये LED के साइंस है, ठीक है, ये चार्जिंग का है। इसके अलावा आपको एक कोफाउंडर्स का साइन किया हुआ लेटर टाइप का मिलता है। फिर यहाँ पे आपके एक यूज़र मैनुअल है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। केस मैट फिनिश में है, ठीक है, मैट फिनिश में है केस, तो आपको ये केस जो है ज़रूर पसंद आएगा, मैट फिनिश में है ये, ठीक है। अब मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है, ये इसमें आप देख सकते हो इसमें जो कलर है, अगर आप देख पा रहे हो, ये इसमें ब्लू, ग्रीन, ब्लू और रेड जो है लाइट है, ठीक है। फिनिश काफ़ी ठीक है, ये एक माइक है, ठीक है, एक ये माइक है, तो दो माइक इसमें हैं और दो माइक दूसरे वाले में हैं, ठीक है। इसको मैंने लगा दिया है, तो ये चार्जिंग जो है 3 पॉइंट तक इसकी चार्जिंग है, 3 पॉइंट तक इसकी चार्जिंग है। और अगर मैं इसको चार्ज करता हूँ तो ये चार्ज हो रहा है, मतलब थर्ड और फोर्थ पॉइंट चार्ज हो रहे हैं इसके। अब मैं इसको करता हूँ कनेक्ट, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने फोन से,
ठीक है, बैटरी इसकी कम है, 10% है बैटरी जो लेवल है, ठीक है, ये पेयर्ड हो चुका है, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन आए हैं आपको, यू कैन यूज़ फॉर हाई क्वालिटी ऑडियो, ठीक है। मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चलाता हूँ या कोई म्यूज़िक चलाता हूँ मैं, दस परसेंट इसकी जब आ जाती है तो इसमें बैटरी लो का ऑप्शन आता है। इक्वलाइजर इसमें वर्क नहीं कर रहा है। टच इसका रिस्पॉन्सिव है, अगर मैं टैप कर रहा हूँ तो ये पॉज और प्ले हो रहा है। इसमें जो बैटरी है वो लो है, ठीक है, 10% इसमें बैटरी बता रहा है, तो अभी ये चार्ज हुआ नहीं है। बैटरी अभी लो बता रहा था तो मैं इसको चार्ज करके देख रहा हूँ कि भैया कितने टाइम में चार्ज होता है, तब तक ये वीडियो मैं पॉज कर देता हूँ। सो इसकी क्वालिटी तो ठीक है कंपेयर टू दी अर्लियर वंस। अब मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करूँगा, ठीक है, तो मैं वीडियो बना लेता हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रो न्यूज़ जोन एंड यू हैव दिस मे बी का ऑडियो पॉड। और मेरे पास फ़ोन आ रहा है तो मैं फ़ोन पर देखता हूँ इसकी ऑडियो। जब घंटी बजती है तो सिर्फ है ना रिंग आती है कान में, पूरी घंटी नहीं बजती। हेलो, हाँ चलो वो कोई बात नहीं है। और भाई कैसी पड़ी? सो अभी चार्जिंग करके देख रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा मुझे ना एक कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो चार्ज अभी इसमें क्या है, इसमें जो है अभी सिर्फ एक ईयरपोड जो है 20% चार्ज है, जो दूसरा है वो 100% चार्ज है, तो उसकी वजह से एक क्वालिटी में ऑडियो क्वालिटी में सही से मेजर नहीं कर पा रहा हूँ। बट सो फार जो मैंने अभी तक किया है तो आई एम, अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो इट इज़ गुड प्रोडक्ट।
क्वालिटी अच्छी है इसकी, साउंड भी अच्छा है, आवाज़ भी अच्छी तेज़ है। व्हाइट मिल जाएगा, ब्लैक मिल एवरीवन, जस्ट जाएगा, लिटिल अपडेट ये आई वांट एप्लीकेशन टू में मिल जाएगा। शेयर। जो ईयरफोन है उसका जो चार एक बैटरी साइड का जो इंडिकेटर्स हैं लेफ्ट वाला इसमें, है वो वर्क कर रहा था, चार्जिंग वो चार्ज केस हो की रहा था, और जो टाइप। राइट साइड वाला है दैट इज तो स्टॉप्ड ओवरऑल वर्किंग, अ गुड और वो चार्ज प्रोडक्ट, नहीं हो रहा अ गुड था। प्राइस, सो हो ठीक सकता है वो है। मेरे सो वाली ठीक एयरपोर्ट के साथ है, दिक्कत पैकेजिंग हो भी गई हो। काफ़ी अच्छी है। जैसे इनिशियली मुझे तो वो इसका जो वर्क कर रहा था, फ़ोन बट का उसकी जो बैटरी कम थी, और पार्ट दोनों लगा का दो, जो ये मुझे कनेक्टिविटी काफ़ी इशू है अच्छा लगा, वो ताकि लैग कर रहा था, इससे एकदम से प्रोडक्ट कनेक्ट नहीं आपका हो रहा था, तो ये कुछ इशूज़ मैंने फेस किए थे। केयर तो से मैंने आ। सोचा इस वीडियो में मैं ऐड करके एडिट करके आपको बता दूँ, ताकि आप जब ये अब खरीदो इसमें तो मल्टी आपकी सहूलियत फंक्शंस, हो। चार्जिंग है इसकी क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। और आप इसको सिंगल सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आपको एक कान में लगाना है राइट में तो आप राइट में लगा सकते हैं, लेफ्ट में। ये डुअल पेयरिंग है वो शायद नहीं है, इसमें एक चीज़ जो मुझे बेकार लगी वो है कि बैटरी लो का मैसेज आता है। अगर 20% बैटरी है इसकी तो 20% बैटरी में आपको एक ना एक बार 20% में बैटरी लो का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम इसकी अप डाउन करने के लिए आपको जो राइट वाला है उसको कंटिन्यूसली प्रेस करना होगा, तो आपकी वॉल्यूम अप हो जाएगी, ठीक है। और वॉल्यूम डाउन करने के लिए आपको जो इसका लेफ्ट वाला एयरपोर्ट है इसको आपको दबाना पड़ेगा, और इससे आपकी वॉल्यूम डाउन हो जाएगी। ओवरऑल अगर हम प्राइस की बात करें तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, बट थोड़ा इशू है चार्जिंग का अभी। हो सकता है ये नया आया है और इसमें चार्जिंग का हुआ नहीं है, तो मैं इसको ज़रा चार्ज करके देखता हूँ। बाकी अगर प्राइस की बात करें तो इट्स अ थम्स अप अंडर द प्राइस ऑफ 1000 एंड 1200। अगर 1200 1000, ठीक है, आपको मिल रहा है तो आपको एक अच्छा फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। पोर्टेबल है ये, आप इसको रख सकते हो अपने पास, ठीक है। ग्लॉसी आपको इधर फिनिश मिलेगी, यहाँ पे आपको मैट फिनिश में ग्लॉस ग्लॉसी मैट फिनिश मिलेगी, ठीक है। कनेक्टिविटी भी फास्ट है, आप देख सकते हो मैंने इसको निकाला, ठीक है, और ये कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसकी 30% बैटरी हो गई अभी, है ना। तो वो कनेक्टिंग भी इसकी अच्छी फास्ट है, ठीक है। ड्यूरेबल भी है काफ़ी, ठीक है। और वॉल्यूम मतलब कॉल पे भी इसकी क्वालिटी अच्छी आएगी, मतलब मैंने अभी कॉल पे इससे बात की थी तो कॉल पे भी कनेक्टिविटी आप देखो, मतलब मैंने इसको निकाला और विद इन 2-3 सेकेंड्स, ठीक है, ये कनेक्ट हो रहा था, ठीक है, हो रहा है। ठीक है। सो ओवरऑल ऑडियो भी अच्छी है। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रो न्यूज़ होम सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर सच टेक प्रोडक्ट्स फॉर यू। और आप बताएं अगर 1000 रुपये में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है तो कैसा है। और अगर आपको नेक बैंड लेना है तो ये मेरा रियलमी का नेक बैंड है, ये देखो अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। तो रियलमी, अगर आपका बजट 2000 से ऊपर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रियलमी का नियो, जो एक सीरीज़ है रियल मी नियो, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, इस पर रियल मी का आप मेरे तरफ से वो ले सकते हैं। अगर 1500 रुपये में आपको एक और ऑप्शन लेना है तो आप ये बोट का एयरडोप्स 131 भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक रियल मी का है वो भी आप देख सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। अभी इसमें आ नहीं रहा है, बट आई अपडेट दी लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन रियलमी के ईयरबड्स हुई। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट डिपेंड क्या करता है कि आपका बजट, बजट आपको बनाता है कि आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट दोस्तों, हैव अ गुड टाइम। इसमें आपको कलर भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, मैंने ये जैसे ब्लू मंगाया है, आपको पर्ल